चलिए तो क्लास 12th के लिए, 12th क्लास के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको, हम लोगों ने फिजिक्स वाले चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में पूरा का पूरा प्रत्यावर्ती धारा के जितने भी थ्योरेटिकल वैल्यू थे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछले दिन हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा, जनरेटर के बारे में पढ़ा कि आखिर वो प्रत्यावर्ती धारा को कैसे उत्पन्न करता है, उसमें क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके फिगर को, बनावट को भी देखा। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इस नए चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स का ये तीसरा खंड है। हम लोग अभी फिजिक्स जो है टोटल 6 खंड में बटा हुआ है। फिजिक्स कितने खंड में बटा हुआ है? 6 खंड में, जिसमें 2 खंड हम लोगों का खत्म हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा खंड में प्रवेश कर लिए हैं। तो तीसरा खंड का नाम क्या है? तो तीसरा खंड का नाम है चुंबकत्व। इसका नाम है चुंबकत्व। और दोस्तों ये बहुत ही छोटा खंड है, क्योंकि इस चुंबकत्व वाले खंड में मात्र 2 ही चैप्टर है, ठीक है, मात्र 2 ही चैप्टर है। तो अब हम लोग खंड 3 में, 2 चैप्टर है तो खंड 3 का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि जानते हैं हम लोग 2 खंड पढ़ लिए, उसमें बहुत बड़े बड़े खंड थे, चैप्टर ज्यादा थे थोड़ा, लेकिन ये चुंबकत्व बहुत ही छोटा खंड है जिसमें मात्र 2 चैप्टर है। और आज हम लोग पहले चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र को समझेंगे, क्या है ये, कैसे उत्पन्न होता है, तो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप फर्स्ट एरो लेकर कुछ बात लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। लिखा जाए चुंबकत्व के अस्तित्व का, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण, मूलभूत कारण विद्युत आवेश की गति है, विद्युत आवेश की गति है। पूर्ण विराम जिसके 2 ध्रुव, जिसके 2 ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चलिए अब हम लोग यहां से देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला हमें यह जानना जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र आता कहां से है। इतना फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब आइडिया लग गया होगा कि पूरे फिजिक्स का जो यूनिट है, जैसे समय का जो यूनिट पार्ट है वो क्या है, सेकेंड है। सेकेंड से ही हम लोग घंटे तक पहुंचते हैं, सबसे छोटा इकाई समय का होता है सेकेंड। उसी तरीके से फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट है हमारा आवेश, चार्ज। और वही चार्ज, चार्ज तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चार्ज अगर दौड़ना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई भी आवेश अगर गतिशील हो जाए, तब उसको हम बोले कि उस रास्ते में आई उत्पन्न हो गया, करंट उत्पन्न हो गया। और जब करंट उत्पन्न होता है दोस्तों, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। आपको पता होगा ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, एक वायर में, एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे,
और चुंबकीय सुई को उसके नजदीक ले जा रहे थे तो उसमें विक्षेप आने लग रहा था। तब हमको पता चल गया कि किसी भी वायर में, किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी चुंबक का गुण पाया जाता है, आ जाता है। कब तक? जब तक कि उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब आप उसमें विद्युत धारा को बंद कर दीजिएगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं हो रहा था। हम लोग ये सब सारा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पहले, तो वहां से हमें ज्ञात होता है कि चुंबकत्व का मूलभूत कारण क्या है, कि किसी भी आवेश का गति का होना, गति होना जरूरी है। अगर आवेश गति नहीं करेगा तो ना हमें करंट मिल पाएगा, और जब हमें करंट नहीं मिल पाएगा तो हमें चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि चुंबकत्व का मूलभूत कारण क्या है, कि कोई भी आवेश गतिमान रहे, और इसी के वजह से जैसे कि चुंबक का दो ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी तरीके से आप जिस वायर में करंट को फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसमें भी दो छोर आता है दोस्त। इसीलिए तो हम लोग विक्षेप देख रहे थे ना, उल्टा हो जा रहा था। अगर मान लिया तार में एक तार है, इसमें अगर इधर से करंट देंगे तो चुंबकीय सुई को रोकेंगे तो विक्षेप इधर देगा, अगर हम इधर से करंट देंगे तो विक्षेप उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि चुंबक के भांति कार्य करता है। जैसा कि चुंबक के ध्रुव दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही सेम प्रोसेस यहां भी होता है। ठीक है, अब लिखेंगे चुंबक के गुण, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे चुंबक के गुण, उसके नीचे एरो देंगे, चुंबक के गुण लिखने के बाद उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे पहला कुछ पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, लेकिन यह गुण लकड़ी कौमा अवरक जैसे पदार्थों में नहीं पाया जाता है। पूर्णविराम, इस प्रकार के आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे आकर्षण बल के गुण से युक्त पदार्थों को चुंबक कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, लिखेंगे चुंबक के दो विशिष्ट गुण होते हैं, पहला आकर्षण गुण, दूसरा दैशिक गुण। दैशिक
बताते हैं सबके बारे में कि क्या है बेसिक गुण, बेसिक गुण। अब उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता जिस पदार्थ में पाई जाती है उसे उसका चुंबकीय गुण कहा जाता है, आकर्षण गुण कहा जाता है, बाय मिस्टेक आकर्षण गुण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लगभग चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है, चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है, दिष्ट रहता है वह उस पदार्थ का बेसिक गुण कहलाता है, नेक्स्ट एरो स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नेक्स्ट एरो लेंगे, लिखेंगे स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, वह उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, नेक्स्ट अब देंगे, लिखेंगे किसी चुंबक के दोनों ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य से गुजरने वाली रेखा को उस चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहलाता है,
उस चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहलाता है। चलिए तो अभी हम लोग जो चुंबक के गुण वाले में टॉपिक्स किए हुए हैं, चुंबक के गुण वाले में जो टॉपिक्स किए हैं, सबसे पहले तो पॉइंट्स ए लिखे कि बहुत सारे पदार्थों में आप देखते होंगे कि सभी पदार्थ लोहा को नहीं खींचते हैं, और आप जिस प्रकार एक चुंबक को लोहे के संपर्क में लाते हैं तो लोहा को अपनी ओर खींच लेता है। क्या लकड़ी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। अभ्रक के साथ होता? नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यहां यह हो रहा है कि अगर कोई वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है या आकर्षित करता है, वह क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। यानी कि जैसे एक चुंबक एक लोहे के किल को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि यहां पे चुंबकीय बल लग रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, जब वो अगर लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। ठीक है। और जिस वस्तु में अगर ऐसा गुण पाया जाता है उसको हम लोग चुंबकीय गुण भी बोल सकते हैं कि उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये भी लिखें कि पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके वजह से ही हम लोग इस पे टिके हुए हैं। ये हम लोगों को क्या किए हुए हैं? टिकाए हुए हैं। और दूसरा लॉजिक ये भी होता है कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर धरती में भी बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसीलिए जब चुंबकीय सुई को हम लोग धरती पे रखते हैं हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव को ही इंगित करता है। ठीक है। मान लिया ये चुंबकीय सुई है, तो ये चुंबकीय सुई दो ही, एक उत्तरी ध्रुव की ओर और एक दक्षिण ध्रुव। कभी भी आप धरती पे चुंबकीय सुई को पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इससे यही पता चल रहा है कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ठीक है। तो ये पता हम लोग को चला कि चुंबक का एक गुण और है कि पृथ्वी में चूंकि चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यही कारण है कि चुंबकीय सुई का जो दिग निर्देशन होता है हमेशा उत्तर दक्षिण में होता है। ठीक है। अच्छा, चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, वह उसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण की ओर दिग निर्देशन करता है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। जैसे मान लिया एक चुंबक है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। साउथ मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव। दोस्त ये जो है चुंबक है, इस चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हमको यहां से यह पता चल रहा है कि ये नॉर्थ पोल यानी कि ये उत्तरी ध्रुव का संकेत कर रहा है, उत्तरी ध्रुव, और ये किसी चुंबक का दक्षिण का ध्रुव है, दक्षिण की ओर इंगित कर रहा है, हम इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी लिखे हुए हैं पॉइंट्स में कि अगर किसी भी चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग चुंबकीय रेखा कहते हैं, ठीक है, नहीं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे मान लिया कि इसके सेंटर से बिल्कुल पास कर रहा है कोई रेखा, बीचों बीच बनाइएगा यहां पर गड़बड़ हो गया, यानी कि
कोई ऐसा रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच बीचों बीच रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष हो गया, ठीक है। और ये बात करें तो चुंबकीय लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं। चुंबकीय लंबाई को जैसे मान लिया कि चुंबक का लंबाई कितना है एल, तो इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके नीचे आप इसका फिगर बना लीजिएगा कि ये क्या है हम लोगों का, तो ये चुंबक है, ठीक है। ये चुंबक है और चुंबक में सब चीज दिखाया हुआ है कि उत्तरी ध्रुव कौन है, दक्षिणी ध्रुव कौन है और उसके बीच की जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष भी कहते हैं। फिर लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक चुंबकीय आम्योतर के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय आम्योतर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक बनाया जाए चुंबकीय याम्योतर। चुंबकीय याम्योतर, अब चुंबकीय आम्योतर क्या होता है इसके नीचे अर्थ है। लिखा जाए किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योतर ऐसा काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है जो उस स्थान पर स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरता है अतः चुंबकीय आम्योतर एक तल है कौमा रेखा नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं चुंबकीय आम्योतर किसको कहते हैं। तो अभी हम लोग लिखे ना दोस्त कि चुंबकीय अक्ष किसको कहते हैं। तो चुंबकीय अक्ष एक रेखा होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उस चुंबक से बीचों बीच होकर गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय अक्ष। लेकिन अगर बात करें कि चुंबकीय आम्योतर किसको कहा जाता है, तो चुंबकीय आम्योतर हम लोग उसको कहते हैं जिसपे एक तल होकर गुजरता है। जैसे मान लिया कि यहां पे एक तल है, यहां पे क्या है, प्लेन है। जब एक प्लेन अगर गुजरता है, एक तल पूरा का पूरा उसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। जैसे मान लिया अभी हम लोग फिगर बनाए थे ना, एक तरफ नॉर्थ पोल था, एक तरफ साउथ पोल था, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो इसके बीचों बीच क्या गुजर रहा था, एक रेखा गुजर रहा था, तब हम उसको बोल रहे थे चुंबकीय अक्ष। लेकिन इसी चुंबकीय अक्ष से एक तल को गुजारा जाए, एक प्लेन को गुजारा जाए, ऐसा तल यानी कि ऐसा आयताकार पट्टी को गुजारा जाए उसके बीच में, तब हम इसको बोलेंगे चुंबकीय आम्योतर। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि चुंबकीय आम्योतर एक तल है, रेखा नहीं है, क्योंकि अगर रेखा रहता वो चुंबकीय अक्ष कहलाता है। इस बार हम लोग चुंबकीय सॉरी तल लिए हुए हैं। तल का मतलब ऐसा आयताकार पट्टी बोल सकते हैं, आयताकार पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिया जाए बिल्कुल पतला और फिर उसके बीच से होकर गुजारा जाए तब हम लोग उसको बोलते हैं चुंबकीय आम्योतर। और यह एक काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं है, ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि उसके अक्ष से होकर एक तल गुजर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं चुंबकीय याम्योतर।
यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चुंबकीय आवेश क्या हुआ, तो एक काल्पनिक तल हुआ जो किससे होकर गुजरता है, चुंबकीय अक्ष के सॉरी चुंबक के अक्ष से होकर गुजरता है, अक्ष से होकर गुजरता है कौन, चुंबकीय तल। ठीक है, तो उसको हम लोग चुंबकीय आवेश कहते हैं। फिगर इसमें नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए फिगर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे चुंबकीय बलों के नियम, चुंबकीय बलों के नियम, ये टॉपिक बनाएंगे चुंबकीय बलों के नियम। उसके नीचे आप देखेंगे लिखेंगे किसी माध्यम में, फर्स्ट आप देखकर किसी माध्यम में P1 तथा P2 दो ध्रुव प्राबल्य के दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी आर हो तो छोटा आर, दोनों के बीच की दूरी आर हो तो के बाद कॉमा करके पहला पॉइंट लिखेंगे नीचे से। तो पहला पॉइंट लिखिएगा लगने वाला आकर्षण बल दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, लगने वाला आकर्षण बल यहां बराबर नहीं होता है, सॉरी यहां पे समानुपाती लिख दीजिएगा, समानुपाती होता है। यहां पे लिखे ना लगने वाला आकर्षण बल दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होती है, बराबर नहीं, गलती से बोला गया, मिस्टेक से सुधार कर लीजिएगा। दूसरा में लिखेंगे लगने वाला आकर्षण बल ध्रुव प्राबल्यों के बीच के दूरी के लगने वाला आकर्षण बल दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि क्या सिचुएशंस है। सबसे पहले हम लोग कुलोम के नियम पढ़े हैं ना, सेम वैसा ही चीज है चुंबकीय बल के नियम। क्या है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक प्राबल्य है जिसको बोलते हैं P1, ये प्राबल्य है और प्राबल्य का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर, लिखवाएंगे नियम। तो P1 और P2 क्या है, तो ध्रुव प्राबल्य है, ठीक है, कोई भी ध्रुव का प्राबल्य है और जिसके बीच की दूरी कितनी है दोस्त, छोटा आर है इसके बीच का दूरी। तो बोला गया पहला रूल से कि ये दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा एफ, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगा, तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि P1 × P2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा से हमें क्या पता चला कि दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है,
तो दूरी उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो उनके दूरी का वर्ग का मतलब आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/2 में, तो दैट इज इक्वेशन नंबर कितना 2। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, तो एफ समानुपाती P1 P2/R2। और हम लोग जानते हैं ना कि यहां पे समानुपाती हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो एफ इज इक्वल टू के P1 P2/R2, जहां K का वैल्यू होता है μ0/4π, यानी कि जो K जो है ना एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक के जगह पे हम लोग इसका मान कितना रखते हैं μ0/4π, μ0/4π। तो इसका फार्मूला क्या होगा F का, μ0/4π ⋅P1 P2/R2। दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे μ0 का तो वैल्यू पता ही होगा, μ0 का वैल्यू हम लोगों को पता रहता है कितना होता है, तो 4π × 10⁻-7 हेनरी/मीटर होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो P1 और P2 क्या है, ध्रुव प्राबल्य है, तो μ0 का वैल्यू कांस्टेंट होता है 4π × 10⁻²/μ। और एक एरो देकर ये भी लिखेंगे कि P1 यानी कि ध्रुव प्राबल्य, दोनों लिख सकते हैं P1, P2, इसको हम लोग ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग जैसा कूलॉम के नियम पढ़े थे ना, μ0/4π Q1 Q2/R2, दोस्तों वैसा ही है चुंबकीय बल का नियम। चुंबकीय बल का नियम क्या देखिए कि दो ध्रुव ध्रुव प्राबल्य रहता है P1 और P2, दोनों के बीच में दूरी r रहता है, तो लगने वाला जो बल होता है यहाँ पे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल को हम लोग Fm से भी सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बोला गया कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ध्रुव प्राबल्य के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण से चलेंगे तो हम लोगों का ये फार्मूला पे पहुंच गया, यही है चुंबकीय बल के नियम। जैसे कि वहां कूलॉम के नियम था, सेम वैसे ही हम लोग को आगे फार्मूला, अब इस फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकली ऐड करने वाले हैं, तो उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि μ0 का वैल्यू क्या होता है, 4π × 10⁻²⁻ हेनरी/मीटर। और जहां पे P1 P2 क्या है, तो ध्रुव प्राबल्य है, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि कहीं भी दे दिया रहेगा 4 एम्पियर मीटर, तो 4 एम्पियर मीटर मतलब क्या, ये P1 या P2 का मान हो सकता है, क्योंकि एम्पियर मीटर किसका एसआई मात्रक, ध्रुव प्राबल्य का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आज के क्लास को फिजिक्स को यहीं तक करते हैं, फिर अगले क्लास में इस पे न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।